पुष्पा देवी को आज भी इंदिरावास का लाभ नहीं मिला है। 10,000 रुपया मांगा जा रहा था, जबकि बीपीएल धारी महादलित परिवार की महिला है। मैंने यह वीडियो 8/11/2013 को बनाई थी। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई थी कि पुष्पा देवी मेरे ही समुदाय की महिला है। तुम्हारा घर नहीं बना है इंदिरावास से? झोपड़ी है कि छत है? झोपड़ी है। क्यों नहीं बना है? मुखिया में अथी करता वैसे नहीं के बात पैसा मांगता। तो तुम पैसा दी है? ना। क्यों नहीं दी? हम लोग पैसा नहीं है तो कहाँ से दी। हाँ, हमारे गांव में भी कुछ है, महिलाएं हैं जो उसको माने पैसा नहीं देने के कारण उनका इंदिरा आवास से वो लोग वंचित है। किसको पैसा नहीं दिया लोग? मान लें कि मुखिया द्वारा चाहे जो भी पंचायत सचिव हैं उन लोग अपना मुखिया द्वारा नहीं देने के कारण वंचित है। समुदाय के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार के कार्यालय में व्यक्तिगत आवेदन दिलाई पुष्पा देवी सहित और महिला का प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा घर जांच किया गया, जो सही और सत्य पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इंदिरा आवास लाभार्थी को घर बनाने का सुझाव दिए। मिनिमम सीट 8-10 हज़ार में हो जाता है, ढलवाने में 26-30 हज़ार लग जाएगा। तो वो लग जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया दीवार खड़ा करेगा लोग, एल्युमिनियम का सीट लगा लेगा लोग। सूची में नाम डालने से लेकर बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर देने का तक अब यह बदलाव पुष्पा देवी सहित सभी महिला का खाते में पैसा उत्तर ग्रामीण बैंक सकड़ी में जमा हो गया है। ब्लॉक पर गई थी ना? हाँ, बुला ले। तो काहे के लिए गई थी ब्लॉक पर? घर के, घर खाते। तो अब वीडियो से बात है? हाँ। कब आए थे? अभी। हाँ। अच्छा, तो दिखाई आप घर? हाँ। कौन घर दिखाई? हाँ। सब पलानी दिखा दी? हाँ। वीडियो सब क्या बोले? कि घर बनवाए थे। घर बनेगा? हाँ। ठीक। इस वीडियो को बदलाव होने से मुझे काफी खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में जो भी अनसुनी बातें हैं जन जन तक पहुँचा कर समस्या का समाधान कर सकती हूँ। मैं ज्ञानती कुमारी सिवन बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।